अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जी आज मेरे पास अपनी द ब्यूटी सिविक है और थैंकफुली हमारे जो लाहौर वाले मैनेजर साहब हैं उनके भी एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें काइंडली अपनी सिविक लेंट की है कि ज़रा मैं आपको कंपैरिजन बता सकूं। दिस इज़ द 2018 मंथ और ये 2021 है। और आज मैं वीडियो के सामने इसलिए आ गया क्योंकि आप लोगों की बड़ी क्या कहते हैं 1K में फरमाइश थी कि सर आप भी आया करें। तो अभी हम फिर रिव्यू शुरू करते हैं, तो चलें जी लेट्स स्टार्ट। जी तो वी हैव द टू सिविक्स। अब ये है जी प्री फेस लिफ्ट और ये है फेस लिफ्ट। तो देखा जाए इनकी इन्वॉइस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया था। इसकी इन्वॉइस कोई 27 की थी, ऑन रोड ये कोई 28 कुछ की पड़ी थी। इसकी वेयर एज इन्वॉइस थी 41 कुछ की और ये पड़ी 42.5 की थी। तो आप अंदाज़ा देख लें कि 2018 और 2021 में कितना प्राइस डिफरेंस आ गया। ऑल दो ये फेस लिफ्ट वाली है और ये नॉन फेस लिफ्ट वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर ये थोड़ी इसकी ग्रिल शिल ये क्यों है, ये सडनली जो इसके ओनर है वो बता रहे हैं कि एक बाइक वाले ने सलामी दी थी। और सलामी आपको पता है माशाल्लाह कंसिडरिंग के आर रश ट्रैफिक और लाहौर में रश आर के दौरान ये लगी थी, तो इसलिए ये ना थोड़ी ज़रा ये इसके ग्रिल के थोड़ी नाजुक हालात हैं। वैसे देखा जाए तो बॉडी वाइज इट्स नाइस, बस ये ग्रिल शिल इसकी लगी हुई है। तो ये है, तो जी शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला प्राइस डिफरेंस बताया, मतलब इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस सिर्फ इन तीन सालों में है। उसके बाद आगे बात की जाए, ये जी 2018 वाली की चाबी है, एग्जैक्ट सेम है जो 2021 में भी आती है, नो सच डिफरेंस एट ऑल। तो 2021 की भी यही है, मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। और 2021 की जो है उसकी भी एग्जैक्ट सेम चाबी है, लेकिन आप देखिए कि जब मैंने उसके इंडिकेटर्स ऑन किए थे, काइंडली ज़रा इसके लॉक करिए कि गाड़ी ये देखिए कि इसके इंडिकेटर्स इस तरह है। और अगर मैं इसे लॉक करूँ तो इसकी ये फुल LED लाइट्स आ जाती हैं, इधर देखिएगा, आई होप यू कैन सी दिस। जी तो एज़ यू कैन सी ये देखें, ये प्री फेस लिफ्ट में ये था और ये 2016 से यही आई थी। आपके पास आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो हैलोजन ही है, इसके बाद आपके पास आपके हाई बीम्स हैलोजन है, आपके टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन है, साइड मार्कर लाइट्स भी हैं और फॉग लैम्प्स आ गए। वेयर एज़ UG में जो 2021 की है, बाय द वे ये भी UG ही है, जो 2021 की UG है, इसमें आपके पास फुल LED लैम्प्स आ जाते हैं, LED टर्न सिग्नल आ जाते हैं, LED DRL आ जाती है और LED फॉग लैम्प आ जाते हैं। और इसी तरह अगर हम पीछे मूव करें तो बाय द वे आपके पास जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी एग्जैक्ट सेम LEDs ही हैं, नो सच डिफरेंस इन दैट। लेकिन अगर आप पीछे मूव करें तो पीछे देखें, इसमें भी यू हैव द सी, और इसमें ब्रेक लैम्प जो है दैट इज़ स्टिल हैलोजन, सेम इज़ द केस हेयर। इसमें एस्थेटिकली और कोई हैंस रियर लाइट्स में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, फ्रंट लाइट्स में डिफरेंस है। और अगर आप स्पॉट कर सकें कि यहाँ इन्होंने शार्क फिन एंटेना दे दिया जिसे होंडा ने बड़ा प्रमोट किया था कि पता नहीं इन्होंने कौन सी नई साइंस निकाल दी, लेकिन इट डज़ लुक नाइस। और यहाँ आपके पास एंटेना नहीं है, एंड सो इज़ द केस विद योर रियर गार्निशेस। ये क्रोम गार्निशेस जो इन्होंने क्रोम स्ट्रिप्स दे दिए हैं दो यहाँ, और इफ़ आई मूव टू द फ्रंट, और इन्होंने दो फ्रंट पे दिए हैं जैसे इफ़ यू कैन स्पॉट इट आउट, ये यहाँ नहीं है। तो फ्रंट फेशा के लिहाज से तो ये बातें हैं, राइट। एक्सटीरियर के लिहाज से एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप नोटिस करें, इसमें आपके पास आते थे ये टर्बाइन स्टाइल रिम्स, ऑलराइट, और ये बिल्कुल फ्लैट थे, मतलब ये टूटेड आउट नहीं था, एज यू कैन सी, मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस थी और ड्यूल टोन थे, मतलब एक कुछ लोग इसे हाइपर फिनिश कहते हैं, कुछ लोग ड्यूल टोन कहते हैं, एज यू विश आई वुड से ड्यूल टोन कलर थे। वेयर एज इसमें उन्होंने पाउडर कोटेड ग्रे व्हील्स ये थे जो मेरे ख्याल से एक स्टांस और ज़रा सा थोड़ा स्पोर्टी लुक देते हैं, और ये थोड़े प्रोटूडेड आउट भी है, देखिए ज़रा थोड़े बाहर निकल रहे, तो इसकी ना ज़रा लुक थोड़ी मीन हो जाती है। बाय नो मीन्स आई मीन टू से कि ये बुरे लगते हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि इसकी जो लुक है ना वो ज़रा थोड़ी ज़रा ज़्यादा बीफी और मीन हो जाती है। और एक्सटीरियर के लिहाज से आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और फ़र्क था, लेकिन अब अंडर द हुड और इंजन ट्वीकिंग और ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर अंडर द हुड मूव किया जाए तो वी हैव सम डिफरेंसेस, इसकी थोड़ी डैम्पनिंग अच्छी की है, इसमें उन्होंने साउंड इंसुलेशन थोड़ी बेहतर की है, वेयर एज इसमें जो थोड़े कंप्लेंट्स थे वो इसमें रिजॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल ये जो इसमें शीट लगी है ये आफ्टर मार्केट है, ये इसमें लगी लगाई नहीं आती, इसमें जो है ये लगी हुई है। सो इज़ द केस अगर आप ये सोचें ये इसमें आफ्टर मार्केट लगे हैं और इसमें नहीं लगे, मतलब हमारी भी इस तरह ही थी पहले, लेकिन वी हैड टू गो फॉर दिस आफ्टर मार्केट वंस। अंडर द हुड तो ये है, लेकिन आप ये देखें कि थोड़ी सी ज़रा पैकेजिंग यहाँ बेहतर लग रही है, या प्रॉब्ली मैंने नीट एंड क्लीन रखी हुई है, और देखें कोई यू नो यहाँ थोड़ी पैकेजिंग सॉर्ट ऑफ है तो सेम ही, लेकिन थोड़ी इतनी टाइडी अप नहीं है। अच्छा अगर हम पीछे मूव करें
तो पीछे आपके पास एज ए साइड इन्होंने इंसुलेशन पे काम किया, और वो तो पीछे देखें आपके पास इसका जो बूट है इसमें उन्होंने यहाँ फुल इंसुलेशन दी हुई है टुवर्ड्स द बैक, जैसे मैं कहते हैं इसमें उन्होंने डैम्पनिंग बेहतर कर दिया है। जैसे आप देखें पीछे आपके पास पूरी डैम्पन शीट आ गई है, जो आपके ये बूट हिंजेस हैं ये सारे भी कवर्ड अप हैं, जैसे आप देखें फुल कवर्ड अप है, और आपकी अंदर से भी इंसुलेशन हुई है, और आपकी स्ट्रट भी प्रॉपरली है, और सो इज़ द केस आपके नीचे भी नीट एंड टाइडी है। और अगर आप वो पॉइंट देखें जो पुरानी मसला आता था कि इनके हिंजेस का ज़रा मसला था कि दे वर नॉट अप्रोप्रिएटली मैच्ड, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास कोई इंसुलेशन नहीं है, ये बूट के जो सपोर्ट्स हैं ये भी बेयर हैं, और नीचे देखा जाए तो नीचे वो जैसे ये देखें ये थोड़े मार्क्स हैं, तो ये एक्चुअली बाय फैक्ट्री इसमें थोड़े मसले आए थे, तो ये है। बाकी अगर मैं आपको और चीज़ें दिखा सकूं कि अगर आप ये देखें यहाँ ये अलाइन जा रही है, ठीक है हो गया, लेकिन अगर आप नई वाली में देखें, सॉरी पुरानी वाली में देखें, तो पुरानी वाली में ये थोड़ी यहाँ से ऑफलाइन हो रही है, अगर आप देखें ये थोड़ी ऑफलाइन जा रही है, ठीक है अलाइन है, लेकिन अगर आप गौर से देखें ना कैमरे में आपको जस्टिस नहीं करी, तो थोड़ी सी ऑफलाइन हो रही है। लाइकवाइज अगर आप देखें थोड़े लैच भी आई वुड से प्रॉब्ली थोड़े डिटेरियोरेट हो गए हैं, आप इसकी साउंड ज़रा सुने, ठीक हो गया, वेयर एज आप इसकी ज़रा साउंड सुनिएगा, एक प्रॉपर यू नो थर्ड आ रही जी। मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं आपको इसके इंडिविजुअल डोर का वेट्स बता सकूँ तो एज ए सेट के होंडा के हिंजेस बड़े अच्छे होते हैं, तो अगर आप देखें तो अभी भी इसका सब्सटैंशियल वेट है, जबकि 2018 की गाड़ी है, ठीक है, और देखें कि अभी भी सब्सटैंशियल वेट है, मतलब आपको ये बिल्कुल लफाफे दरवाजे नहीं लग रहे। ज़ाहरी बात है अब नई गाड़ी, अब इसके उसके लिहाज से बहुत भारी दरवाजे लग रहे हैं ऑनेस्टली, ये देखें इसका अब आपको एक थर्ड व्हील अलग मिल रहा होगा, ये देखें ठीक हो गया, एंड सो इज़ द केस विद द रियर डोर्स आल्सो, ये देखें ये भी थोड़ा लूज़ है लेकिन आपको एक नाइस थर्ड फिर भी मिल रही है, और अगर आप यही चीज़ यहाँ लगाएं तो ये देखें फुल यू नो ज़रा भारी भारी, ये देखें तो ये है। तो जी अब हम ज़रा इंटीरियर में मूव करते हैं ऑफ द 2018 वन। अच्छा जी तो अंदर मूव किया जाए तो ये भी यूजी वेरिएंट ही था, जिसमें आपके पास लेदर सीट्स हैं और आपके पास ये नेविगेशन है दिस एंड दैट, लेकिन इसमें आप कुछ चीज़ें नोटिस करें कि पहली बात है कि अगर गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं इसके पेंट उतर गए। अब जैसे मैं कह रहा था कि इस जेन में दो तीन मसले ये थे कि इसका पहली बात है उन्होंने अगर क्योंकि पहले मैं वो मसले ज़रा एड्रेस कर दूँ, दो तीन मसले ये थे कि पहला इसका था एयर कंप्रेसर का एसी का मसला था। आप इस गाड़ी में और इस गाड़ी में दोनों में 20 का टेम्परेचर सेट करें, बाद में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, दो इंडिविजुअल्स बिठाऊंगा तो आपको इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलेगा। ऑल्दो आपका ये होगा यार ये नई गाड़ी है फ़र्क होगा, नहीं इसमें डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें इंजन कंप्रेसर चेंज हो गया, स्टेयरिंग रैक चेंज किए इन्होंने, इसके बाद इसका इन्होंने बैटरीज़ का वो जनरेटर चेंज किया था, इसके बाद जी इन्होंने इसकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चेंज किए थे, वरना इसकी बैटरी वो उससे पानी निकलना शुरू हो जाता था, और इस तरह के दो तीन और भी मसले थे, सस्पेंशन दिस एंड दैट, और इंटीरियर इश्यूज भी कुछ थे। अब आप देखें कि इस गाड़ी के जो है ये बम्पर्स प्रॉपरली अलाइन है, जैसे मैंने आपको बताया थे, क्योंकि ये तो ब्रांड न्यू, अब इसका क्योंकि थोड़ा लगशक नहीं है, तो जैसे मैं कहूँ एक बार ये ख़राब हो जाए ना बम्पर के अलाइनमेंट, फिर ये सही होनी इस सॉर्ट ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग, बड़ा मसला हो जाता है। अब आप देखें ये गाड़ी डे टू डे इस्तेमाल होती है, तो ये देखें कितनी सलामी, ये जो नहीं मैं कहता सिविक को अगर बंदा संभालना चाहे ना तो डे टू डे में बड़ा मसला होता है, क्योंकि नैरो स्पेस में घुसती नहीं है, और जब थोड़े लो कब्ज़ होते हैं तो ये लग भी जाती है। अब ये देखें यहाँ से लगी हुई है, तो यू नो अच्छा जैसे हम अंदर जा रहे थे, अब देखें यहाँ से इसका पेंट भी उतरा हुआ है, आई डोंट नो ये क्यों हुआ है, उतरना नहीं चाहिए पेंट ऑनेस्टली, लेकिन उतरा हुआ। अच्छा मूव हम कर रहे थे अंदर, अब अंदर ये डोर हैंडल का पेंट उतर गया, अब आई डोंट नो ये पेंट क्वालिटी दूसरी थी या क्या थी, अगर मैं आपको दूसरे दरवाजे का पेंट क्वालिटी दिखाऊँ, ये देखें ये मैट है और इसकी पेंट क्वालिटी भी फ़र्क है, ठीक हो गया राइट, ये देखिएगा अब ये देखें। अब अच्छा इसकी दूसरी बात है सीटें भी देखें, सीटें फैब्रिक तो वही है लेकिन काफ़ी वर्न आउट लग रही हैं, जाहिर बात है वो टाइम सीट्स विल गेट वर्न आउट वेयर एज, अब ये देखें बिल्कुल फ्रेश सीट्स क्योंकि डे टू डे ड्रिवन होती थी। तो अगर हम अंदर बैठे जी, एज़ आई शोड यू दिस की जो सिमिलर ये नई वाली कि हम इसे ज़रा यहाँ रख देते हैं स्पेस में, और लेट मी क्लोज द डोर और लेट मी स्टार्ट द कार, ठीक हो गया गाड़ी हमने ऑन कर लिया। तो जी आप इसमें पहले ये देखें कि अगर मैं इसका एसी लो पे रखता हूँ तो थ्रो इसकी बड़ी डिसेंट है, देखा जाए ये हो गई है कितनी, दिस इज़
2018 के, लेकिन जैसे मैं कह रहा था वो टेम्परेचर में एक डिफरेंस आपको लगता है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे फील के एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जबकि अभी एसी लो पे चल रहा है। लो का मतलब होता है उसमें आपको ठीक ठाक, मतलब जब ठीक ठाक आपको एक ना ठंड का एक सर्ज मिलता है, लेकिन इसमें वो वाला नहीं है क्योंकि इन्होंने कंप्रेसर चेंज किया। अच्छा, उसके बाद गेज क्लस्टर्स बिल्कुल सेम है आपके पास, ये रेड मीटर वाली है क्योंकि 18 वाली है। इसके बाद स्टेयरिंग व्हील भी सेम ही है। यहाँ मूव किया जाए तो डैशबोर्ड में कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, ये इंफोटेनमेंट चेंज हो गया। अब जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपने गाड़ी देखनी है कितनी इस्तेमाल हुई है तो उसकी यहाँ से पता चलता है। अब इसके रहेंगे सारी ग्लॉसी हो गई है, मैं आपको अपनी वाली में दिखाऊंगा। और इसका ये जो इंफोटेनमेंट है ये भी अपग्रेड हुआ था, ये नॉन अपग्रेडेड वाला है। और अगर मैं आपको इसे कैमरा दिखाऊँ, ये देखिए अभी लागी भी होने लग गया, ठीक हो गया तो चल ही नहीं रहा, ये क्या हो गया, एनी हो छोड़ें। बाकी जी ये इसके हालात हैं, इसका सेंटर आर्म रेस्ट, ये सैनिटाइजर्स वगैरह, दिस एंड दैट, ये ड्यूल कप होल्डर्स का, और इसके साथ ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप ये देखें, ये अगर आपकी आवाज़ें हैं सुनाई दी हैं तो इसमें क्वालिटी इश्यूज़ थे, ये देखें, ये कुछ क्वालिटी इश्यूज़ कुछ आपको ना। और ऊपर से भी इसका ये भी जो है ना, ये भी बड़ा लूज़ है, अगर मैं आपको कन्वे कर सकूँ, ये भी ना बड़ा लूज़ लगता है, जैसे निकलने नहीं वाला, लेकिन मतलब ग्रांडे हार्ड है, लेकिन नॉट लाइक द न्यू वन। और इसके साथ साथ ये इसके हालात हैं। अब आप देखें, ये वाला डोर हैंडल इतना ख़राब नहीं हुआ, प्रॉबेबली वो ड्राइवर डोर हैंडल को ज़्यादा बुरी तरह इस्तेमाल हुआ, ये उतना ख़राब नहीं हुआ। तो जी ये इसका इंटीरियर है, इस गाड़ी का आ रहा है ना इंजन चेक लाइट का आ रही है, एनी हाउ इसे हम बाद में देखते हैं। तो अभी मैं ज़रा आपको पीछे चल के दिखाता हूँ कि पीछे क्या हालात हैं। तो पीछे मूव किया जाए, यू हैव द सिमिलर थिंग। अब मैं दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ज़ोर से इसलिए मैंने खोल दिया क्योंकि मुझे आदत उसकी है, तो उसके भारी दरवाज़े यहाँ से भी पेंट। अच्छा, इसके सारे दरवाज़ों के पेंट उतरे हुए हैं। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ ये देखें, यहाँ आपके पास एक फ्लेक्स आ रहा है ये हेडलाइनर में ना, और ये इसमें नहीं है, जितनी भी 18 की सेविक है उन सब में ये मसले हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे से देखें ये हालात हैं इसके, ये है, मतलब बाई नो मीन्स आई नीड टू से कि ये इसमें कोई मसला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपेयर टू द न्यू वन इसमें क्या क्या फ़र्कात हैं, ठीक हो गया। और ये वो गाड़ी जो डे टू डे ड्रिवन है, ऑलराइट, तो ये गाड़ी रोज़ चलती है। और अच्छा, इसमें एक और भी डिफरेंस मैं आपको बताना भूल गया। अब देखें, अगर मैं इसे लॉक करूँ तो इसके शीशे ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट नहीं होंगे अपॉन अनलॉकिंग, जबकि अगर मैं ये लॉक करूँ तो इसके शीशे ऑटोमेटिकली लॉक पे ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे, और मैंने अनलॉक है तो ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये है। बाकी अगर मैं अब न्यू वाली में मूव करूँ, अपनी जानू की बात की जाए, अगर हम अपनी सिविक में बैठें तो पहली हमें जो फीलिंग मिलती है आर वेरी वेरी हैवी डोर्स, ठीक है। अंदर से आप देखें आपको इंटीरियर फ्रेश लग रहा होगा क्योंकि सही बात है, मैं इसे इस्तेमाल करूँ। उसके बाद मैंने सीटें भी बड़ी यू नो साफ साफ शफाफ रखी हैं। आप ज़रा इस इंटीरियर पर ज़रा लुक मारें, ठीक हो गया, ये है, ठीक हो गया। और अगर हम इसे स्टार्ट करें, आप इसके इंजन साउंड सुनिएगा, ऑलराइट, मच फ्रेशर। और ये देखें, इसके इंफोटेनमेंट पूरा अपग्रेड हुआ, इट्स नॉट द सेम। अच्छा, अब आप एसी देखिएगा, मैं 17 पे डालूं, ऑटो पे करूं, ये देखें मुझे एक फौरन एक सर्ज फील हुआ। और ये पता चल रहा है यार, ये तो बिल्कुल बाकायदा पता चल रहा है, ठीक हो गया, ऑलराइट। अगर हम इसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल करें, राइट, नॉर्मल कर दें और इसका फ्लो बंद कर दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये है मेरी वाली सिविक जो 2021 वाली है, सारा सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास इंफोटेनमेंट अपग्रेड हो गई थी, ये आई डोंट नो लेदर ये सेम ही है या नहीं लेदर, लेकिन मुझे सेम ही लग रहा है। मेरे ख्याल इट डिपेंड्स ऑन द डेली यूजेज। तो अभी देखें, बिल्कुल आपको मैट सीट, और मैं चाहता भी इसका मैट ही हूँ, तो इससे मैंने कुछ लगाया भी नहीं हुआ, अपर डैशेज। अच्छा, इसमें इंटीरियर क्वालिटी देखें, आपको यहाँ से स्क्वीक्स नहीं आ रही, जो ना मैं उसमें नहीं बता रहा स्क्वीकी चक्कर हो रहा है, ये देखिए यहाँ से कोई स्क्वीक्स नहीं आ रही आपको, ये मतलब सॉलिड यू नो सॉलिड हुआ हुआ। और यहाँ से आप देखें डोर हैंडल्स भी, जबकि ये गाड़ी कितनी चल गई है अगर आपको दिखा सकूँ, क्योंकि आजकल लाहौर के बड़े चक्कर मार रही है, 7426, ठीक हो गया। तो गाड़ी से अभी तक कोई राटल या स्क्वीकी साउंड नहीं है। और अगर मैं इसी तरह पीछे मूव करूँ तो अगेन हैवी डोर्स, आई कैन फील द वेट। पीछे मूव किए करें तो ये क्या हो गया, सॉरी सिविक, माय बैड। पीछे मूव करें तो आपके पास वही, अब ये देखें यहाँ, ये भी बिल्कुल
सॉलिड है, यहाँ से मुझे कुछ नहीं हो रहा कि ये हेडलाइनर हिल रहा है, यू नो मतलब इट्स ऑल सॉलिड। ये देखें मैं बकायदा मार रहा हूँ इसे, तो इसमें कोई रैटल नहीं है। और ये अगर आप देख सकें तो दिस इज़ अबाउट इट। तो ये जी मेरा ये था कंपैरिजन बिटवीन द 18 एंड द 21। ना जी दिस वॉज अ डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द 2021 और 2018। अगर हम प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको एक अच्छी 2018 वेल केप्ट जो है वो आपको आज के मार्केट के लिहाज से कोई पड़ेगी अराउंड 40 to 41। और अगर आप ये देख रहे हैं, ये देखें ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ ही हो रही हैं इसमें, ठीक हो गया। रुके मैं अगर इसकी लाइट्स ऑन करूँ तो बाय द वे जी आज एक और फीचर नोटिस किया, कोई भी ड्राइवर डोर खोलेंगे लाइट ऑन नहीं होंगी, ड्राइवर खोलेंगे तो ही सिर्फ ऑन होंगे, दैट्स नाइस। मतलब पैसेंजर डोर से लाइट्स ऑन नहीं होती, ओके दैट्स नाइस। अच्छा एज आई वाज सेइंग कि इसकी जो मार्केट है वो है कोई 40 से 41 लाख की पड़ती है आपको ये। और अगर आपको ये वाली चाहिए और ये वाली हालत में चाहिए तो यू हैव टू स्पेंड अराउंड 49 से लेके 51-52 की इसकी मार्केट खड़ी है, क्योंकि अब नई गाड़ियाँ प्राइस रिविजन हुई है। तो आई वुड से कि 50-51 इसकी अभी करंट मार्केट है, कंसिडरिंग ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, क्योंकि अब अनरजिस्टर्ड पे यू हैव टू पे अ फर्दर पेनल्टी। तो दैट्स वाई, तो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द 2018 एंड 2021। इंजन परफॉर्मेंस भी सेम है, इंजन ट्वीकिंग हुई है थोड़ी। इंजन ट्वीकिंग का मतलब ये है कि इन्होंने जाके इंजन में रिफाइनमेंट किया, जो 18 में नॉकिंग इश्यूज़ आते हैं वो नहीं आते। गेयर बॉक्स को रिवाइज़ किया, गेयर बॉक्स के रिवाइज़ का मतलब ये है कि अब CVT स्मूथ हो गया, जर्की नहीं होता। इसने सस्पेंशन भी थोड़ी रिवाइज़ किया, जिन लोगों से कि मैंने पूछा अभी तक मैंने 18 वाली नहीं चलाई, हाउएवर आफ्टर दिस आई शैल गेट बिहाइंड द व्हील ऑफ दिस और मैं आपको अपने इंप्रेशंस बताता हूँ। तो जी दिस वॉज माई टेक ऑन 2021 और 2018। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय नो मीन्स मैं किसी को बुरा या अच्छा कह रहा हूँ, बस मैं कंपेयर कर रहा था कि क्या क्या फ़र्क है। और आप देखें कि ये 27 लाख की गाड़ी होती थी किसी ज़माने में और मुझे ये 43 की पड़ी है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और देखा जाए तो इट्स अप टू यू, लेकिन इस गाड़ी का तो लेवल है। तो जी दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। काइंडली जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।